अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एनिमी और आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं और उनके एरर्स को फिक्स कर सकते हैं जब वो करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, करप्ट हो जाएं तो आपने उनको फेंकना नहीं है, बल्कि आज मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी फ्लैश ड्राइव को इस तरीके को यूज करते हुए उसको सेट कर सकते हैं ताकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो इजीली आप जब विंडो का बटन, विंडो की प्लस आर को जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक सर्च बार ओपन हो जाती है जिसमें आप सीएमडी लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ विंडो 8, तो आपको विंडो 8.18 और विंडो 10 के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीएमडी टाइप करेंगे या फिर कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर लीजिए। इस पे आएंगे और इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसको अलाउ करें। यहाँ पे हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे अपनी कमांड्स देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है डिस्क पार्ट विदाउट स्पेस आपने लिखना है, एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद डिस्क पार्ट में हम एंटर हो चुके हुए हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क विद द स्पेस, एंटर करें। आपके पास सारी जो भी यहाँ पे आपके पास ड्राइव है सारी का स्टेटस ऑनलाइन है, सारी की सारी एक्टिव है। ये 465 मेरी हार्ड ड्राइव है और 3840 जो है ये आपकी फ्लैश का साइज है, ये है ऑलमोस्ट 4 GB। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जिस डिस्क पे हमने काम करना है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्पेस डाल के डिस्क और उसका नाम जिस डिस्क को सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे 1 को सेलेक्ट करना है, हम 1 लिख देंगे और एंटर करेंगे। डिस्क 1 जो है वो सेलेक्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको क्लीन करना है। क्लीन किससे करना है हमने, आपने क्लीन करना है इसको वायरस से, क्योंकि बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं वो करप्ट होती हैं सिर्फ वायरस से या अनवांटेड फाइल से। मलिशियस फाइल्स जो होती हैं वो आपकी डिवाइस को करप्ट कर देती हैं और काम के काबिल नहीं रहने देती, इसलिए सबसे पहले हमने इसको क्लीन करना है। एंटर कर देंगे क्लीन की कमांड के बाद और ये सक्सेसफुली जो आपकी डिवाइस है ये क्लीन हो चुकी हुई है। अब हमने इसको क्लीन किया है वायरस से, लेकिन अब हमने इसको फॉर्मेट करना है कि जो भी इसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं वो डिलीट हो जाएं। एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूंगी कि मैंने जो अपनी डिवाइस थी इसको पहले से ही करप्ट हो गई थी और इसको मैंने सेट किया था इसको चेक करने के लिए कि ये वाला तरीका जो है ये काम करता है या नहीं। तो आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें कि इसको मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने इसको ट्राई करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो इंशाल्लाह होपफुली ये काम करेगा आपके लिए। लेकिन अगर इन एनी केस ये काम नहीं करता तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, तो मैं इसके लिए आपको अल्टरनेटिव तरीका जो है वो आपको मैं बता दूंगी इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको फॉर्मेट करेंगे, लेकिन फॉर्मेट करने से पहले हमें क्या करना है, हमने इसकी पार्टीशन बनानी है। ठीक है, तो हम इसको कमांड देंगे कि क्रिएट करो हमारे लिए पार्टीशन। क्रिएट की स्पेलिंग आपने इसी तरह से लिखनी है, ई नहीं लिखना। क्रिएट पार्टीशन, और पार्टीशन करनी कौन सी है, प्राइमरी सेकेंडरी, आपने यहां इसको प्राइमरी कमांड देनी है। ठीक है, प्राइमरी, ओके, एंटर करेंगे। ये ले जी, उसने आपके लिए स्पेसिफिक पार्टीशन जो थी वो क्रिएट कर दी हुई है। अब आपने इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट की कमांड देंगे यहाँ पे फॉर्मेट और fs, यानी आप उसको फाइल सिस्टम बताएंगे। fs हम इसको दे देते हैं FAT32, आप नेट भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एंटर करेंगे और ये फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया हुआ उसने। आपने इसको तब तक चलाना है जब तक ये के 100% तक कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, दरमियान में आप वेट करेंगे थोड़ा, ये 1% हो गया है इस तरह से, या आहिस्ता आहिस्ता 100% कम्प्लीट हो जाएगा।
अभी ये देखें, ये 80% कंप्लीट हो चुका हुआ है, हमें 100% तक होने का इसका वेट करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये 100% कंप्लीट हो चुका है, अभी इसने डिस्क पार सक्सेसफुली फॉर्मेट कर दिया हुआ है, ठीक है। जब आप करप्ट डिवाइस को जब फॉर्मेट करोगे तो वो ऑटो प्ले का ऑप्शन दे देगा, वरना जब आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हो तो वो आपको एक एरर डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो जब आप ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको डिस्क पार सक्सेसफुली फॉर्मेट करने के बाद आपको फॉरन ऑटो प्ले का ऑप्शन देगा, तो उससे आप अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, उसको खोल सकते हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू।